आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में विश्वनाथ जी का फीडबैक शेयर करने जा रहे हैं, जिनको ये प्रॉब्लम मेडिसिन के साइड इफेक्ट से हुई। आइए सुनते हैं उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया। जी विश्वनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना फीडबैक देने के लिए। जी मैम, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 65 मैम। और आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं अमेठी यूपी का रहने वाला हूँ। सर, आपको कितने समय से टिनाइटिस की दिक्कत है? ये 2019 से। अच्छा, तो आपको कुछ कारण पता है कि आपको ये दिक्कत शुरू कैसे हुई? दिक्कत इसलिए हुई मैम, मैं पहले मेरे कान में जो है ना दर्द स्टार्ट हुआ था। तो मैंने मतलब काफी दिन तक वो दर्द को ठीक करने के लिए मैं पेन किलर खाता रहा, दर्द तो ठीक हो गया, बट ये दूसरी प्रॉब्लम पैदा हो गई टिनाइटिस की। ऐसे हुआ। ओके, तो आपने डॉक्टर्स को दिखाया? और डॉक्टर को मैंने बहुत दिखाया, मैंने मतलब जो है ना इसके पीछे मैंने लाखों रुपए वे किए हैं। द्वारका में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं। तो मैंने उनको मैंने दिखाया और उन्होंने कह दिया कि मतलब इस चीज का हमारे पास इलाज नहीं। अच्छा, तो आपने जब डॉक्टर्स को दिखाया और आपको पता चला आपको इस चीज का कोई इलाज नहीं है, तो उसके बाद आपने क्या किया? फिर मैं इसका जो इलाज है, मैं इसका इलाज मतलब इसके मोबाइल के थ्रू मैं ढूंढता रहा कि कहीं कुछ भी मिल जाए तो अच्छी बात से। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ, कुछ कर नहीं पाता हूँ और मतलब कहीं मन भी नहीं लगता था। तो फिर मैंने यूट्यूब के माध्यम से मैंने ये आपका एड्रेस देखा डॉक्टर स्पेक्ट्रा का, तो फिर मैंने आपके पास में आने का प्लान बनाया। तो मैं फिर आपके पास में पहुंचा, तो फिर मुझे इस मशीन के बारे में बताई गई और फिर मैंने थोड़े पैसे मेरे पास में कम थे, फिर मैं दोबारा जाकर के आपके पास से मशीन लेके आया और फिर मैं लगातार जब से इसको यूज कर रहा हूँ तो उससे मुझे काफी आराम है। अच्छा, अगर मैं पूछूँ 100 में से तो अभी कितना परसेंट आराम है और किन किन चीजों में आराम है आपको? वही मतलब मैडम 80 के आसपास ही है आराम, और तो बाकी तो जो बहुत ज्यादा आवाज आती थी वो थोड़ी मतलब धीमी हो गई है। ठीक है, तो इतना है कि मैं इसको सहन कर लेता हूँ, बाकी तो पहले मैं सहन नहीं कर पाता था। ठीक है, तो अब फिलहाल ये जो बाकी बैलेंस है ये कैसे ठीक होगा ये मेरी समझ। अब सर, जैसे आपको पता है कि ये ट्रीटमेंट है, इसका आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? वही मतलब मैडम 80 के आसपास ही है आराम, और तो बाकी तो जो बहुत ज्यादा आवाज आती थी वो थोड़ी मतलब धीमी हो गई है। ठीक है, तो इतना है कि मैं इसको सहन कर लेता हूँ, बाकी तो पहले मैं सहन नहीं कर पाता था। ठीक है, तो अब फिलहाल ये जो बाकी बैलेंस है ये कैसे ठीक होगा ये मेरी समझ। अब सर, जैसे आपको पता है कि ये ट्रीटमेंट है, इसका आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस मैं जो आपकी मशीन को उसको मतलब 15-20 मिनट के लिए चार्ज पे लगाता हूँ और उसको दिन में सुबह शाम दोपहर 3 बार उसको यूज करता हूँ। ठीक है, आपको जिससे पता है कि आप भी एक पेशेंट हैं, आपको भी कोई अवेयरनेस नहीं थी, इसी तरीके से आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, तो क्या आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैंने मैडम मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो लोग जिनको मेरे जैसे जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है और वो इधर उधर कहीं ENT डॉक्टरों के संपर्क में ना जा करके वो डायरेक्ट जो है मतलब डॉक्टर इंस्पेक्टर साहब के पास में वहाँ पे पहुँचे और इस मशीन को परचेज करें और इसको यूज़ करें। इससे बढ़िया, इससे अच्छा कोई बेहतर और कोई तरीका मुझे नहीं लगता। जी, थैंक यू सो मच सर। क्या मैं आपका ये फीडबैक अपने यूट्यूब पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को? मैडम मुझे कोई, हाँ जी हाँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं मैडम, अगर कोई अच्छा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू। ओके मैडम, थैंक यू।